So finally a new setup, and you will find this table, this chair, and this IKEA plant. तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे आता जाता हर पल अजीब, इस जहां में है और ना होगा मुझसा कोई तो बेसिकली सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप YouTube पे आए किस लिए हो। आप यहाँ पे आए हो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, या आप यहाँ पे आए हो पैसा कमाने के लिए। जिस चीज़ के लिए भी आप आए हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एनी हाउ यूट्यूब पर एग्जिस्ट करना पड़ेगा, चाहे आपको पैसा कमाना हो, चाहे आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। पैशन को फॉलो करेंगे तो आप खुशी खुशी यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाएंगे, तो फिर आपको व्यूज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और पैसे के लिए आए हो तो व्यूज़ से इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, तो फिर आपकी क्वालिटी उसी हिसाब से बढ़ती रहनी चाहिए आपकी वीडियोज़ की। मेन मुद्दा यह है कि आपके वीडियो से लोगों को सीखने को मिले, और जैसे ही लोगों को सीखने को मिलेगा आप खुद ब खुद जो है उनसे और ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर के और अच्छी वीडियोस बनाओगे। और हाँ, उनके कमेंट्स उनके लाइक्स भी आपको ज़रूर मोटिवेट करेंगे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर आपको इससे हैम्पर नहीं होना है, आपको बस अपनी वीडियोस बनाते चले जाना है। अगर आपको कुछ और देखना हो तो आप देखिए, यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस पड़े हैं जहां लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ यूट्यूब पर आकर के एक साल के अंदर 45 से 50 लाख के आसपास कमाए हैं, घर का हर एक खर्चा उससे चलता है। मैं कहता हूँ कि ये एक इंस्पिरेशन का स्रोत है, आप इससे इंस्पायर भी हो सकते हैं, और आप इससे आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको ये देखना है कि एक बंदा अगर एक साल में 45 से 50 लाख कमाने का दावा कर रहा है YouTube के ऊपर, तो कुछ तो बात होगी। और सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, दैट इज़ समथिंग एल्स, क्योंकि उसमें स्पॉन्सरशिप की बात की गई है। स्पॉन्सरशिप आपको कब मिलेगा? जब आपका फेस वैल्यू होगा, और जब जो है आपके वीडियोस काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन मैंने तो नेगेटिव वीडियोस वालों को भी आगे बढ़ते हुए देखा है। मीन्स कहने का ये है कि आपको यहाँ पे एग्जिस्ट करना है, आपको वीडियोस बनाते रहने हैं कंसिस्टेंसी के साथ। व्यूज़ तब मैटर करेगा जब आपको पैसे कमाने हैं, और जब पैसे कमाने हैं तो फिर आप पैसे इन्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि कई लोग जो है गूगल ऐड लगा के भी अपने वीडियोस को आगे ले जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि गूगल ऐड लगा के उन्होंने सब्सक्राइबर गेन किया है, और आज उनके सब्सक्राइबर लेवल 25K और 30K में पहुँचा हुआ है, और वीडियो सिर्फ एक रहती है कि 1000 जो है अपने सब्सक्राइबर और 4K का वॉच टाइम आप कैसे गेन करें, मिला जुला के सिर्फ यही रहता है। तो आपके पास तो कंटेंट का भरमार है, आप तो चाहो तो कितने सारे वीडियोस आपके आते रहेंगे। लोग कितने बार अपने व्लॉग्स बना बना के आगे बढ़ रहे हैं, सौरव जोशी को आप देख लो, चाहे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको एक साइड से लेकर चलते रहो, ताकि आपका पैशन आपको जो है छोड़ना ना पड़े। हाँ, आपको अगर इच्छा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती यहाँ बना रहे हो और आप देख रहे हो कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, तब आप इसको एग्जिस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पैशन है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, तो आई एम डैम श्योर कि आप यहाँ पे ज़रूर रहोगे, व्यूज़ आपको कभी भी हैम्पर नहीं करेगा। तो जो भी आपके सेटअप वगैरह होते हैं ना, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, बाकी जो आपका बैकग्राउंड वगैरह वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इस बात से इत्तेफाक होना चाहिए कि आपका कंटेंट कितना स्ट्रांग है। अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है तो आपका जो सेटअप है, आपका जो बैकग्राउंड है, वो सब सेकेंड जगह पर चला जाता है, प्राइमरी आपका कंटेंट ही रहता है। और कंटेंट अगर सॉलिड हो तो अच्छे से अच्छे सब्सक्राइबर आपके पास आएंगे ज़रूर एक दिन, जिस दिन वो आपकी वीडियो देखेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपने कंटेंट को स्ट्रांग रखिए। और हाँ, जो लोग जो है सिर्फ वायरल होने के लिए आते हैं, वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ट्रेंडिंग जितना भी चीज़ें हैं ना यूट्यूब को, उसको फॉलो कीजिए, हैशटैग्स को फॉलो कीजिए, उसको अपने वीडियोज़ में लगाइए,
ज़रूरी नहीं है कि हर एक हैशटैग जो है वो आपका ट्रेंडिंग कर जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई एक हैशटैग आपका ट्रेंडिंग कर जाए। तो शॉर्ट्स में वीडियो बना रहे हैं, फिर ध्यान रखिए कि आप शॉर्ट्स पे ही ध्यान दीजिए। जब आप शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों मिला के बनाते हैं तो फिर यूट्यूब का जो भी आपका अर्थमेटिक या जो भी इसका लॉजिक है ना, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता, एल्गोरिथम समझ नहीं पाता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। इससे क्या होता है, आपका एक चीज़ बिगड़ जाएगा, या तो शॉर्ट्स बिगड़ जाएंगे आपके या फिर आपका लॉन्ग वीडियोज़ बिगड़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप बनाइए तो किसी एक चीज़ पर, अगर आपको शॉर्ट्स ही बनाना है तो उसका अलग सा कॉलम बना लीजिए, या अलग सा उसका जो है एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, उसमें सिर्फ आप शॉर्ट्स डालिए, या फिर अलग से एक चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं आप। अगर आपको सिर्फ जो है अपने लॉन्ग वीडियोस बनाने हैं थोड़े बहुत, तो आप उसमें सिर्फ लॉन्ग वीडियोस बनाइए, देखिए ये आपको ज़रूर मदद करेगा कहीं ना कहीं। तो जो भी आपको इस तरह की चीज़ें हैं, हर एक चैनल आपको नहीं बताएंगे, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करते हैं या जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें होते हैं उनको फॉलो करते हैं, बट इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हम पैशन को फॉलो करते हैं तो हम आपकी सहूलियत का भी ख्याल रखेंगे और आपको इस तरह की सारी के सारी जानकारी भी देते चलेंगे। सेटअप भी लगभग रेडी है, बस मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस जोन में। जैसे उस जोन में जाता हूँ तो नए सेटअप के साथ आपके पास मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा और इसी तरह की और भी दिलचस्प वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव ऐसे ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, सो न्यू टेबल, न्यू चेयर एंड इट्स माय न्यू सेटअप।